भारत की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कनेक्टिकट ओपन में युगल खिताब अपने नाम किया। इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइजी एफसी पुणे सिटी ने पुणे एफसी की अकादमी का अधिग्रहण किया। भारत की 100 वर्षीय मान कौर ने अमेरिकन मास्टर गेम्स में 3 स्वर्ण जीतकर तिरंगे को 7वें आसमान पर पहुंचाया। रियो ओलंपिक में भारतीय टीम के सद्भावना दूत रहे सचिन तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक के रजत पदकधारी शटलर सिंधु, कांस्य पदकधारी साक्षी मलिक के साथ जिमनास्ट दीपा कर्माकर और बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को बीएमडब्ल्यू कार भेंट की। बीसीसीआई ने मिनी आईपीएल की योजना को फिलहाल होल्ड पर डाला। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से ज्यादा देखा गया सिंधु मारिन का रियो ओलंपिक का स्वर्ण पदक मैच। अभिनव बिंद्रा को रियो ओलंपिक में निशानेबाजों के खराब प्रदर्शन की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे, तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को एक बार फिर लेकर आए हैं हम आपके सामने स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। रियो ओलंपिक में हुए प्रदर्शन से भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच रोलेंट ऑल्टमस संतुष्ट हैं। रियो ओलंपिक में संतोषजनक प्रदर्शन न करने के चलते भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग में एक स्थान नीचे गिरकर 6वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर तुलनात्मक तौर पर पुरुष हॉकी टीम से खराब प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय महिला हॉकी टीम एक स्थान ऊपर यानी 12वें नंबर पर रही है। रियो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से 1-3 से हार गई थी, जबकि महिला टीम क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। पुरुष टीम ने ओलंपिक में 2 मैच जीते, इतने ही गंवाए और 1 मैच ड्रॉ खेला। ओलंपिक में 6वें स्थान पर रहने वाली ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी हुई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अर्जेंटीना 5वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। रजत पदक जीतने से बेल्जियम एक स्थान ऊपर चढ़कर 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच रोलेंट ऑल्टमस अपनी टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उनका कहना है, रियो ओलंपिक में हमारे लिए नतीजे भले ही आदर्श न रहे हों, लेकिन संतोषजनक रहे हैं। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली गई थी जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड रहा था। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। T20 रैंकिंग में सुपरस्टार विराट कोहली ने अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेनले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरियन में खत्म हुए दूसरे टेस्ट मैच में 33 रन देकर 5 विकेट और मैच में 99 रन देकर 8 विकेट हासिल किए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर वो फिर से ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और अश्विन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जिससे भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत से अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा टॉप 10 में शामिल हैं, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 20 में भारत के 3 बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 8वें, विराट कोहली 16वें और चेतेश्वर पुजारा 20वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 111 अंकों के साथ टॉप पर बना हुआ है। उसके बाद भारत 110 अंक, ऑस्ट्रेलिया 108 और इंग्लैंड 108 का नंबर आता है। दूसरी ओर ICC की ताजा 2020 रैंकिंग में भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 820 रेटिंग अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है, जबकि स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और 7वें से 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में भारत के 2 खिलाड़ी हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह 735 अंकों के साथ तीसरे और रविचंद्रन अश्विन 684 अंकों के साथ 4थे स्थान पर हैं।
वेस्टइंडीज के ही सैमुअल बद्री 743 अंकों के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर 740 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ 2020 सीरीज 1-0 से अपने नाम करने का फायदा मिला है। भारत को 2 अंकों का नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी 126 अंकों के साथ टीम इंडिया दूसरे स्थान पर कायम है। वेस्टइंडीज के 125 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड टीम रैंकिंग में टॉप पर बरकरार है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन T20 गेंदबाजी में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन उलटफेर के साथ शुरू हो गया है। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन शुरू हो गया है। इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन में एक बार फिर टेनिस की दुनिया के सितारे एक दूसरे को टक्कर देने कोर्ट में उतरे हैं, लेकिन कई उलटफेरों का सिलसिला जारी है। फ्रेंच ओपन चैंपियन और नंबर 1 सेरेना विलियम्स के लिए खतरा मानी जा रही स्पेन की गर्बाइन मुगुरुज़ा को गैरवरी लातविया की अनास्ता सीजा सेवासोवा के हाथों महिला एकल के दूसरे दौर में सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा है। वहीं US ओपन के दूसरे उलटफेर में राउनिक भी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर सबकी नजर है। दूसरी ओर महिलाओं में 6 बार की US ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स के सामने कई चुनौतियां होंगी। रियो में महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से मोनिका पुइंग की चर्चा हर तरफ हो रही थी, लेकिन अब वो हार कर बाहर हो गई हैं। भारत के क्वालिफायर साकेत मायनेनी दुनिया के 49वें खिलाड़ी जिरी बेसले को कड़ी चुनौती देने के बावजूद पैर की चोट के कारण अमेरिकी ओपन एकल वर्ग से पहले दौर में बाहर हो गए, जबकि सानिया मिर्जा पर भारतीय फैन की नजरें बनी हुई हैं और उन्होंने अपने शुरुआती मैच में जीत जारी रखी है। वहीं अखिल भारतीय टेनिस संघ की चयन समिति ने 16 से 18 सितंबर तक स्पेन के खिलाफ होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले के लिए लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की युगल जोड़ी को बरकरार रखा है। इस तरह पिछले महीने कोरिया के खिलाफ 1-4 से जीत दर्ज करने वाली टीम में खेलने वाले सभी 4 सदस्यों को बरकरार रखा गया है। लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना भारत के पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है। जोकोविच ने 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जबकि सेरेना ने 6 बार US ओपन जीता है। टेनिस के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटल कॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु की निगाहें अब सुपर सीरीज टूर्नामेंटों पर है। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली अग्रणी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें अब इस वर्ष होने वाले सुपर सीरीज टूर्नामेंटों और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में खिताब जीतने पर हैं। पहली बार ओलंपिक में खेलते हुए फाइनल तक का सफर तय करने वाली सिंधु ने स्वीकार किया है कि रियो में मिली उपलब्धि सपना सच होने जैसा है और कहा कि वह इन दिनों 7वें आसमान पर हैं। इट वॉज माई ड्रीम एंड इट हैज़ कम ट्रू, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुश हूँ। एंड मतलब जब मैं इंडिया आई थी तो सब लोग बहुत मेरे लिए बहुत मतलब क्राउड था, मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उतना सपोर्ट और उतना लव और अफेक्शन वो लोग बाहर खड़े रहते हैं मेरे लिए एंड दे वर हैविंग बिग बिग बैनर्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट शो एंड आई फील आई एम वेरी लकी बिकॉज आई फील इवन गॉड्स ग्रेस ऑल्सो शुड बी देयर एंड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी क्योंकि वो लोगों के सपोर्ट और यू नो बिकॉज ऑफ देयर लव आई एम हियर टुडे। दिस टाइम ओलंपिक्स में बी आई वॉज द फर्स्ट लेडी टू विन द सिल्वर मेडल, सो आई इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑब्वियसली क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट इज टोटली डिफरेंट, बहुत स्पेशल है क्योंकि हमेशा मतलब स्टेप बाई स्टेप आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड पहले तो मैंने नहीं सोचा कि यू नो आई वुड बिकम दिस मच ग्रेट प्लेयर। वहीं देश को शीर्ष बैडमिंटन प्रतिभाएं देने वाले राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खेलों के प्रति रुचि दिखाए जाने के कारण देश के खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा उठा है। सो आई थिंक फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री टू एक्चुअली मिडवे थ्रू द गेम्स व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट एंड वी वरंट विनिंग एनीथिंग टू से दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लूज योर स्पिरिट means a lot. I think for the athlete it means a lot, for us it means a lot.
गोपीचंद की ही शिष्या रह चुकी देश की शीर्ष महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल पिछले ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीती थी। पीवी सिंधु ओलंपिक इतिहास में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आइए भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। ओलंपिक में मुक्केबाजों के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय कोच गुरुबख्श सिंह संधू ने ली है। बीजिंग में विजेंदर सिंह के ब्रॉन्ज मेडल और लंदन ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम को मिले ब्रॉन्ज मेडल के बाद रियो ओलंपिक में मुक्केबाजी को भारत की मेडल उम्मीद माना जा रहा था। रियो ओलंपिक में भारत के तीन मुक्केबाजों में से कम एक मेडल की उम्मीद थी, लेकिन वे नाकाम रहे। भारतीय मुक्केबाजों के मेडल नहीं जीत पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार राष्ट्रीय कोच गुरबख्श सिंह संधू ने कहा है कि पिछले चार साल से चला आ रहा प्रशासनिक गतिरोध ही खेल की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। संधु ने कहा कि मैं निजी तौर पर आहत हूं और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूदा हालात में मेरे लड़कों का प्रदर्शन संतोषजनक था। उन्हें काफी कठिन ड्रॉ मिले थे। वहीं रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र मुक्केबाज विकास कृष्णन यादव का कहना है कि अब उनकी नजरें आगामी वर्ल्ड कप पर लगी हुई हैं और वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारत के स्टार मुक्केबाज विकास कृष्ण ही केवल रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं संपूर्ण खेल कहे जाने वाले खेल गोल्फ के सेगमेंट में। विश्व कप गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व एसएसपी चौरसिया और एस चिक्का रंगपा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के किंगस्टन हीथ गोल्फ क्लब में होने वाले विश्व कप गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व एसएसपी चौरसिया और एस चिक्का रंगप्पा करेंगे। विश्व कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 23 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। हाल ही में रियो डी जेनेरो में संपन्न हुए 31वें ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चौरसिया को पराग्वे के फेब्रिजियो जानोटी के विश्व कप से हटने के कारण अब जाकर विश्व कप में जगह मिली है। चार अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुके 38 वर्षीय चौरसिया ने एशियन डेवलपमेंट टूर के दो खिताब जीत चुके 22 वर्षीय चिक्का को अपना जोड़ीदार चुना है। विश्व वरीयता क्रम में 234वें स्थान पर मौजूद चौरसिया और 439वें स्थान पर मौजूद चिक्का का यह पहला विश्व कप होगा। अब भारत दुनिया के उन 28 इलीट देशों में शामिल हो जाएगा जो मेलबर्न में होने वाले इस विश्व कप में हिस्सा लेगा। एसएसपी चौरसिया के लिए यह वर्ष कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के अनुभव वाला साबित हो रहा है। इसी वर्ष इससे पहले उन्हें यूरेशिया कप में टीम एशिया की ओर से खेलने का अवसर मिला था। गोल्फ विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2005 में रहा, जब अर्जुन अटवाल और ज्योति रंधावा वाली भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही थी। विश्व कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 23 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। दांव और पटकिनी के खेल यानी भारत के देसी खेल कुश्ती के सेगमेंट में चलते हैं। लंदन ओलंपिक के मेडलिस्ट पहलवानों के डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद अब योगेश्वर दत्त का पदक बदलना तय है। भारत के चोटी के पहलवान योगेश्वर दत्त को लंदन ओलंपिक 2012 के अपने कांस्य पदक के रजत पदक में बदलने के लिए तब तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा उनके नमूनों को साफ सुथरा करार नहीं देती है। लंदन ओलंपिक 2012 के सिल्वर मेडलिस्ट उज्बेकिस्तान के पहलवान कुडुखोव के डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद अब भारत के पहलवान योगेश्वर दत्त को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इसका कंफर्मेशन जो है भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारी करेंगे अभी, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये जब इसका कंफर्मेशन कर देंगे, जब हम ये कह सकते हैं कि अब इसकी कंफर्मेशन पुष्टि इसकी हो गई है, और फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा जिसके अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडल हैंड ओवर करेगी भारतीय ओलंपिक संघ को, और भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारियों और योगेश्वर दत्त को मेडल हैंड ओवर करेंगे। सिल्वर मेडलिस्ट उज्बेकिस्तान पहलवान कोडुखो की 27 साल की उम्र में 2013 रूस में एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। रूस के स्वर्गीय कोडुखो डोप परीक्षण में नाकाम रहे हैं और उनका पदक छीन लिया गया है। अच्छी बात है, हिंदुस्तान की मेडल टैली में मेडल तो नहीं, मतलब एक कलर चेंज हुआ, क्योंकि 6 मेडल तब भी थे, 6 मेडल है और मेरा ब्रॉन्ज सिल्वर हुआ है,
और देशवासियों जो मेरे शुभचिंतक है उनके मैसेज भी आए, बहुत खुश हैं। मेरी इससे बड़ी क्या बात होगी कि रियो की हार से उनको भी निकलने, मतलब उनको भी खुशी का मौका मिला रियो की हार के बाद। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देशवासी खुश रहे हमेशा और मेरी वजह से कभी दुखी और परेशान ना हो। वाडा के संशोधित नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान लिए गए डोप के नमूने 10 साल तक फ्रीज में रखे जाते हैं ताकि समय के साथ उन्नत तकनीक आने पर उनका परीक्षण किया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि भले ही देर से लेकिन ईमानदार खिलाड़ी को न्याय मिले। वहीं योगेश्वर दत्त ने ट्विटर पर लिखा है कि बेसिक कुडुखोव शानदार पहलवान थे, उनकी मृत्यु के बाद डोप टेस्ट में विफल हो जाना दुखद है। मैं खिलाड़ी के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, अगर हो सके तो यह पदक उन्हीं के पास रहने दिया जाए क्योंकि उनके परिवार के लिए भी यह सम्मानपूर्ण होगा। मेरे लिए मानवीय संवेदना सर्वोपरि है। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय रेसलर नरसिंह पंचम यादव हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेल दिवस के सेगमेंट में। 25 साल के इतिहास के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ चार भारतीय खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा रियो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाली देश की तीन महिला खिलाड़ियों को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, महिला रेसलर साक्षी मलिक, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और निशानेबाज जीतू राय को 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। 25 साल के खेल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ चार भारतीय खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया। I think, I mean, after the Olympics, so this was immediately announced, so I'm really very happy. And of course, it means a lot to me because it's one of the big awards. So I think overall, I'm very happy. And also getting a silver medal at the Olympics, it's been a very big dream. So it has come true and this also, so that's a big day. मैं पहला देखता था कि इतना बड़ा अवार्ड है उन लोग मिल रहा है, मैं कब लूँगा और मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये सोचता था। लेकिन आज मिल गया, मैं बहुत ही खुश हूँ और शायद मेरा काम मैंने अच्छा किया था होगा, शायद उन्होंने पसंद आ गया और सारे को मुझे प्यार है इसीलिए मुझे मिला है। इसके अलावा 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, मुक्केबाज शिवा थापा, हॉकी खिलाड़ी वीआर रघुनाथ और लंबी दूरी की धाविका ललिता बाबर को अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2 ईयर्स के बाद कोई महिला एथलीट फाइनल तक एथलेटिक्स में पहुंच रही है तो वो भी खुशी है। और उसके बाद जो मतलब मैंने ये किया था उसका फल मुझे अभी मिला, लगता है कि मैंने मतलब जो अचीव किया बहुत अच्छा किया। दूसरी ओर 6 कोच जिसमें दीपा कर्माकर के कोच विश्वेश्वर नंदी, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा के अलावा एथलेटिक कोच नागापुरी रमेश, मुक्केबाजी कोच सागरमल ध्याल, स्विमिंग कोच प्रदीप कुमार और कुश्ती के कोच महावीर सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को दिए जाते हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के सेगमेंट में। खेलों के महाकुंभ 31वें रियो ओलंपिक में 2 पदकों के साथ खत्म हुआ भारत का अभियान। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के रजत पदक की चमक, महिला पहलवान साक्षी मलिक के कांस्य की धमक और कई दिग्गजों के सुपर फ्लॉप प्रदर्शन के बीच भारत का रियो ओलंपिक में अभियान रिकॉर्ड 119 सदस्यों वाला दल उतारने के बावजूद मात्र 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में 2 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक जबकि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित 3 पदक जीते थे। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती का ऐतिहासिक कांस्य पदक और फिर हैदराबाद की पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है। सिंधु और साक्षी के अलावा महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का वर्ल्ड फाइनल में 4था स्थान हासिल करना, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 4थे स्थान पर रहना, एथलीट ललिता बाबर का 3000 मीटर स्टीपल चेस में 10वें नंबर पर रहना,
सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना का कांस्य पदक मुकाबले में हारना, किदांबी श्रीकांत का बैडमिंटन के पुरुष क्वार्टर फाइनल में हारना, पुरुष तीरंदाज अतानु दास का क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना, मुक्केबाज विकास कृष्णन यादव का भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचना, 18 वर्षीय महिला गोल्फर अदिति अशोक का 41वां स्थान हासिल करना और युवा निशानेबाज जीतू राय का 10 मीटर एयर पिस्टल में 8वें स्थान पर रहना रियो ओलंपिक में इस निराशाजनक अभियान के बीच कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शन रहे हैं। इस तरह ब्राजील के रियो शहर में 5 से 21 अगस्त तक हुए 31वें ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मेडल टैली में भारत एक कांस्य और एक रजत पदक के साथ 67वें स्थान पर रहा, जबकि सबसे अधिक 121 मेडल के साथ अमेरिका शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने माराकाना स्टेडियम में टोक्यो में 2020 में मिलने के वादे के साथ इन खेलों का समापन किया। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित हुए। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं डोपिंग वर्ल्ड के सेगमेंट में। डोपिंग में फेल हो जाने के बाद बीजिंग ओलंपिक के 4 विजेताओं के पदक छीन लिए गए हैं। बीजिंग ओलंपिक में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों के डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने के कारण पदक छीन लिए गए हैं। इन 4 खिलाड़ियों में 3 रूसी खिलाड़ी हैं। इन सभी के 2008 में लिए गए डोपिंग नमूने की फिर से जांच की गई, जिसमें इन्हें डोपिंग का दोषी पाया गया। अब इनके पदक वापस ले लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बेहतर तकनीक के आधार पर कुल 6 खिलाड़ियों, 1 धावक और 5 भारोत्तोलकों पर प्रतिबंध लगाया है। बीजिंग और लंदन ओलंपिक 2012 के कुल 1000 नमूनों का फिर से परीक्षण किया गया, जिसमें से 98 पॉजिटिव पाए गए। रूसी धाविका तातियाना फिरोवा से उनका 4x400 मीटर रिले का रजत पदक छीन लिया गया। जमैका को रिले में अब रजत पदक, जबकि बेलारूस को कांस्य पदक मिलेगा। इनके अलावा रूसी भारोत्तोलक मरीना शेनोवा का 58 किलोग्राम का रजत और रूस की ही नादेजा एवेस तुनिखा का 75 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक वापस ले लिया गया है। आर्मेनिया के पुरुष भारोत्तोलक टीग्राम मार्ती रोशियान का 69 किलोग्राम में जीता कांस्य पदक भी वापस ले लिया गया है। बीजिंग और लंदन ओलंपिक के 1000 नमूनों का फिर से परीक्षण किया गया, जिनमें 98 नमूने पॉजिटिव पाए गए। अब चलते हैं स्पीड, रोमांच और एक्साइटमेंट वर्ल्ड, दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शुमार फॉर्मूला 1 की दुनिया में। मर्सिडीज के निको रोसबर्ग ने बेल्जियम ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है। टल एक समय काफी पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार तेजी दिखाई और तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहे। रेडबुल के डेनियल रिकियार्डो दूसरे स्थान पर रहे। रेना के चालक केविन मैग्नुसेन, फरारी के चालक सेबेस्टियन वेटल 6वें स्थान पर रहे। रोसबर्ग के करियर का यह 20वां F1 खिताब है और F1 की रैंकिंग में वह इस समय दूसरे पायदान पर हैं, और उन्हीं की टीम के साथी चालक लुइस हैमिल्टन उनसे 9 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं। बेल्जियम ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस में फोर्स इंडिया के ड्राइवर्स 4थे और 5वें स्थान पर रहे। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं फीफा सेगमेंट में। फीफा के पूर्व प्रमुख सेप ब्लैटर आखिरी बार अपने प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती पेश करने जा रहे हैं। पूर्व यूरोपियन फुटबॉल प्रमुख माइकल प्लतनी पर बैन लगाया था, जिसे बाद में कम करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ब्लैटर ने उम्मीद जताई है कि कैस उनके मामले पर सुनवाई करेगा। बीते मई में कैस जजों ने कहा था कि $20 लाख की राशि का हस्तांतरण गलत तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि फीफा समिति और अनुशासन समिति कह रही है कि उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे यकीन है कि कैस पैनल मेरे मामले पर सुनवाई करेगा। सेप ब्लैटर और माइकल प्लतनी को फीफा आचार समिति ने दिसंबर में प्रतिबंधित कर दिया था। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के तीसरे वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 444 रनों का बनाकर पाकिस्तान को 169 रनों से हराया। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान वेन रूनी ने घोषणा की है कि वह रूस में 2018 में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देंगे।
श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर तिलक रजने दिलशान ने वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कोलंबो में 9 सितंबर को दिलशान ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ अंतिम टी20 मैच खेलेंगे। तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियार्ड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। यही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/doordarshansports। आप DD Sports पर ट्वीट भी कर सकते हैं, DD Sports का ट्विटर हैंडल है twitter@DD Sports Channel। आप DD Sports से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/doordarshansports। DD Sports इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, फाइंड अस @DD.sports। और अब स्पोर्ट्स पल्स के आखिर में, जैसा कि हम जानते हैं कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें 4 कांस्य पदक और 2 रजत पदक शामिल थे, और ये ओलंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का शानदार प्रदर्शन रहा था और भारत 55वें स्थान पर रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 में ही कुश्ती में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब योगेश्वर दत्त के जीते गए कांस्य पदक के बदलने की पूरी उम्मीद है। तो आइए आपको लिए चलते हैं योगेश्वर दत्त द्वारा जीते गए कांस्य पदक के जीत के पलों में। खेलों का ये भारत को मिलने वाला 5वां पदक, आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए आप देखते रहिए DD Sports। स्टे ऑलवेज विद DD Sports। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीक अहेड। बी स्पोर्टी। नमस्कार। जय हिंद।